अरे मित्रों नमस्कार, ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। अभी अभी थोड़ी देर पहले शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है और दैत्य गुरु शुक्र कर्क राशि में चले गए। कर्क राशि के अंदर अच्छा फल तो नहीं देंगे, लेकिन जहां जहां पर शुक्र बलवान होता है गोचर के अंदर, वहां तो अच्छा फल करता है। और नीच मंगल के साथ युति है, मंगल शुक्र की युति चरित्रहीन योग बनाती है। लव अफेयर के लिए ठीक है, प्रेम संबंधों के लिए ठीक है, लव मैरिज के लिए ठीक है। तो आज इसी विषय को लेकर के आए कि शुक्र ने अभी अभी राशि परिवर्तन किया है और नौ राशियों के ऊपर इसका चमत्कारी लाभ होगा। वो कौन कौन सी नौ राशि उसकी जानकारी देंगे आपको, लेकिन आपसे निवेदन करेंगे हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो आपको ये बता दूं, जब चंद्र लग्न होती है, जहां पर लग्न जहां से होती है वहां से जो शुक्र है वो कौन कौन से भावों में अच्छा फल करता है। मेष, यानी अगर मेष में है तो पहले पांच भाव, एक से पांच भाव तक, यानी फर्स्ट भाव से लेकर पांचवें भाव तक शुक्र का जो बल है, ट्रांजिट बल जिसको बोलते हैं, वो अच्छा होता है, यानी शुभता होती है, चाहे किसी भी राशि में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये रहा। और छठे सातवें में वो अच्छा फल नहीं देता। फिर अगर गोचर में छठे भाव में बैठा हुआ है तो अच्छा फल नहीं देगा, सप्तम भाव में भी बैठा तो चप्पल नहीं देगा। इसलिए विवाह के टाइम पर सप्तम शुक्र बाधक होता है। अष्टम भाव में अच्छा फल देगा, नौवें में अच्छा फल देगा, दसवें में भी अच्छा फल नहीं देगा। जब वहां के कारक शुक्र होते, सूर्य होता है, बृहस्पति, बुध और शनि होते हैं, ग्यारहवें भाव में अच्छा फल करेगा और बारहवें भाव में भी अच्छा फल करेगा। अब हम चलते हैं कौन कौन सी राशियों पर इसके इफेक्ट रहे। मेष राशि से ही शुरुआत करेंगे और आप अपनी राशि का फल देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल है, नीच होकर बैठा हुआ है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है, लग्नेश और सप्तमेश, यानी आपकी लग्न का स्वामी और आपके सप्तम भाव का स्वामी दोनों एक साथ बैठे हुए। इसका मतलब ये रहा, प्रेम संबंध बनने के योग बनते हैं। इसी पीरियड में कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन इतना ध्यान कर लें कि आज चंद्रमा नीच है और दो दिन नीच रहेगा, तो चौथे भाव के अंदर ये योग बन रहा है तो वो भी नीच होकर के बैठा हुआ है, मंगल नीच और उसका स्वामी भी नीच, तो दो दिन टेंशन और डिप्रेशन रहेगा आप लोगों को, मेष राशि वालों को। लेकिन इस पीरियड में कोई मकान, गाड़ी, भूमि, जायदाद ना खरीदें, कोई फैसला ना करें, कोई ऐसा डिसीजन ना लें कि जो अहम डिसीजन हो, उसको दो दिन के लिए टाल देना चाहिए आप। वृष राशि, वृष राशि के स्वामी शुक्र तीसरे भाव में बलवान होकर बैठा हुआ है, पराक्रम में वृद्धि होगी और साथ में एक राशि से इसका विपरीत राजयोग भी बना हुआ है, वो भी अच्छा योग है। मेहनत से आप धन दौलत कमा सकते हैं, मान सम्मान में वृद्धि ले सकते हैं और अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए ये योग धन भाव पर बनता है, दूसरे भाव में शुक्र बलवान हो जाता है गोचर में और तीसरे में मंगल भी बलवान होता है, तो वहां पर मंगल शुक्र दोनों बलवान हो रहे थे वृष राशि के अंदर, तो बहुत अच्छा योग था। मिथुन के अंदर कर्क राशि के अंदर है तो यहां पर अच्छा योग है, धन दौलत के लिए पैसा आएगा, रुका हुआ पैसा आएगा आपके पास और जो आपने पैसा इधर उधर आपका लगा रखा है उसमें भी रेवेन्यू बढ़ेगा। कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि के अंदर शुक्र आपकी राशि में या आपकी लग्न में बलवान होता है, यहां पर सुख साधन का स्वामी और लाभ का स्वामी बलवान है, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, कपड़े के क्षेत्र में, खाने पीने के क्षेत्र, रेस्टोरेंट के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। काम थोड़ा सा शुरू होगा, होटल लाइन में थोड़ा काम मिलेगा, फिल्म लाइन के अंदर भी। चौथे भाव का स्वामी है सुख साधन, कोई चीज़ लेना चाहते हैं, गाड़ी मकान, वो ले सकते हैं।
एक अच्छा योग है। यहाँ पर कर्म का स्वामी मंगल नीचे और आपकी लगन का स्वामी भी नीचे, तो पेट से संबंधित तकलीफें थोड़ी रहेंगी आपको दो दिन, तो अपने डाइजेशन सिस्टम को ठीक करके रखें। और यहाँ पर एक हीरा पहन के रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी राशि के लिए भी अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा अवैध संबंध का योग बनना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनना, जीवन में कोई स्त्री का आ जाना, स्त्री की कुंडली में किसी पुरुष का आ जाना, ऐसा योग बनेगा। तो यहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी है कि कोई गलत आदमी नटक रहे, गलत स्त्री नटक रहे, और साथ में रोमांटिक नेचर बनी रहेगी, संगीत के प्रति लगाव बना रहेगा, और काम कारोबार के लिए भी अच्छा है, जॉब के लिए भी अच्छा रहेगा। भाग्य का स्वामी नीचे और उसका स्वामी भी नीचे, तो भाग्य से थोड़ी सी बेचैनी आपको रहेगी, आपके टेंशन्स बनी रहेगी लगातार, माँ के स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा, कन्या राशि का स्वामी बुध पाकिस्तान पर है, वो वृष राशि में प्रवेश कर चुका है बकरी होकर के, राहु भी बकरी है बुध भी बकरी है, पन्ना पहन के रखें, कैरियर के लिए अच्छा रहेगा। और भाग्य और धन का स्वामी शुक्र लाभ स्थान पर है, यहाँ बहुत अच्छा फल देता है, विदेशों से लाभ मिलेगा, विदेशों से पैसा आने का योग बनता है, तो एक योग अच्छा है। जो लोग यूट्यूब से काम कर रहे हैं उनको विदेशों से पैसा आएगा और इन्हीं दिनों में पैसा भी आता है, इसका बेनिफिट्स तो मिलता है। और बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक पे काम करते हैं, उनको वहाँ से भी पैसा आता है, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से जो पैसा आता है वो पैसा, इस तरह के पैसे विदेशों से आने के योग बनेंगे। तो यहाँ पर भी आप एक डायमंड और ओपल पहन सकते हैं, अच्छा रहेगा। तुला वालों का स्वामी दशम में है शुक्र, और यहाँ नीच का मंगल बैठा हुआ है, तो ये कोई बहुत अच्छा योग नहीं है, थोड़ी सी उथल पुथल रहेगी कैरियर को लेकर के, यहाँ पर इसका बल कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि एंटी दिशा में, ये ठंडी दिशा में अच्छा फल देता है लेकिन गर्म दिशा में, तो एंटी दिशा में अच्छा फल नहीं देता यहाँ पर। वृश्चिक राशि वालों के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा, शादी कर सकते हैं, भाग्योदय का योग, पत्नी आने के बाद भाग्योदय का योग बनेगा, काफ़ी अच्छा योग है। आपकी राशि का स्वामी मंगल नीच होकर के बैठा है वृश्चिक का, और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा नीचे, दो दिन आपको सावधान रहनी है, इन दो दिनों के अंदर आपको बैक पेन की शिकायत हो सकती है, कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, और फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। धनु राशि पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव है, और धनु लगन से मंगल शुक्र की युति अष्टम भाव में बैठी हुई है, यहाँ पर शुक्र अच्छा फल देता है लेकिन पानी से आपको थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, रोमांटिक नेचर बनी रहेगी, आयु वृद्धि होने का योग बनेगा। मकर राशि वालों को सावधान रहना पड़ेगा, मकर राशि वालों का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहेगा, यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आपका प्रेम संबंध भी यहाँ ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, कोई तकलीफ हो सकती है, तो मकर और कुंभ वालों को अपने प्रेम संबंधों को बचा के रखना है। और कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड तकलीफ हो सकती है, पेट का ध्यान रखेंगे तो सावधानी बरतनी होगी। मीन राशि वालों के लिए पंचम भाव में मंगल शुक्र की युति है, ये भाग्य से धन की प्राप्ति, आयु में वृद्धि, स्वास्थ्य में वृद्धि रहेगी, लेकिन पेट में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो ये था नौ राशियों को चमत्कारी लाभ जिसके अंदर मिलता है, लेकिन अगले दो दिन थोड़े से तनाव भरे रहने वाले हैं। उसका कारण है कि मंगल जहाँ नीच चल रहा है, कर्क राशि में नीच चल रहा है, और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा खुद भी नीच चल रहा है, तो आज नीच चलेगा, कल भी नीच चलेगा, परसों भी नीच चलेगा, यानी तारीख के हिसाब से अगर देखें आज 22, 23, 24, 24 तक नीच रहेगा, उसके बाद फिर आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, तो अच्छा रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि मंगल शुक्र की युति है, इस युति के अंदर रोमांस करने वाले, प्रेम विवाह करने वाले, या क्रिएटिव फील्ड के अंदर है, फैशन डिजाइनिंग में, ज्वेलरी डिजाइनिंग में, बुटीक का काम करने वाले, ब्यूटी पार्लर वाले, होटल लाइन्स के अंदर काम करने वाले, एयर होस्टेज, क्रू मेंबर जितने भी हैं, उन सब के लिए कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल है ये योग। और फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए तो काफ़ी अच्छा है, और जो टीवी सीरियल्स में काम करते हैं, गाने बजाने वाले लोग हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, जो फोटोग्राफी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, टूरिज्म वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा, तो वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, इसी प्रकार से आपको और जानकारी देते रहेंगे। अब समय आपसे हाथ लेने का, नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं, और मुझे संपर्क कर सकते हैं कुंडली दिखाने के लिए, वास्तु विजिट के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है, महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फोन नंबर 011
6381572563818168, मोबाइल नंबर 9811441569212860090, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawal। दर्शकों, अगर आप